हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे 8th क्लास चैप्टर नंबर 4th हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 4.5 में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। आज हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया आपको, ड्रा द फॉलोइंग, ठीक है। और रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करनी है विद एडजेसेंट साइड्स। एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करनी है जिसके अंदर एडजेसेंट जो साइड्स हैं उनकी लेंथ आपको दी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको कोई रेक्टेंगल का नेम दिया हुआ कि रेक्टेंगल का नेम ये है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ है वो तो हमें गिवन है, हमें उनकी लेंथ गिवन है, बट उन साइड्स का नेम नहीं पता। बट उसने क्या बोला कि वो एडजेसेंट है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने सेम 4.3 में किया हुआ है, फोर्थ पार्ट, ठीक है। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे उसने रेक्टेंगल का नेम भी दिया हुआ था और जो एडजेसेंट साइड्स के नेम भी दिए हुए थे। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का आप सभी बच्चे रेक्टेंगल का नेम क्या रखेंगे, TEAR, ठीक है, टीयर, और उसके अंदर जो एडजेसेंट साइड्स होंगी TE और EA लेंगे आप, ठीक है। TE और सेकंड इज EA, ठीक है। तो TE को लेंगे आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और EA को लेंगे आप 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल 4.3 का जो फोर्थ पार्ट हमने किया था, ठीक है। तो ये रिवीजन ही है आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमने किया हुआ 4.3 में फोर्थ पार्ट। तो ये पार्ट आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है जिसका नेम आपको गिवन है, उसका नेम क्या रखना आपको, OKAY, जिसके अंदर आपको O से K तक, यानी कि OK एक साइड की लेंथ दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, एंड आपको K से A तक यानी कि टू एडजेसेंट साइड्स की आपको लेंथ गिवन है। OK भी आपको पता है, ठीक है, O से K तक कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और K से A तक कितना है 4.2 सेंटीमीटर। OK भी दिया हुआ है आपको और K से A तक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ दी हुई है आपको, और क्या दिया हुआ है, अच्छा बस केवल यही इन्फॉर्मेशन आपके पास, और आपको पैरेललोग्राम बनाना है। और आपसे ये भी पूछ रहा है वो, इज इट यूनिक, क्या ये जो पैरेललोग्राम आप बना रहे हैं क्या ये यूनिक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। इसके अंदर एक आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है, तो वो हम साथ के साथ सीखेंगे बेटे। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। पैरेललोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होती हैं और वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल समझते हो ना, जब डिस्टेंस सेम चलता रहता है दो लाइंस के बीच में, किसी भी दोनों लाइंस के बीच में हर एक किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ था, ओके आपको दिया हुआ था, मैं रफली चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा रफली बता देता हूँ, OKAY। अब इसके अंदर ओके आपको कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ओके अगर 5.5 है तो वाई से ए तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5.5 के इक्वल होगा, यानी कि वाई ए भी कितना होगा 5.5। और आपको क्या दिया हुआ है, के से ए तक, के से ए तक कितना दिया हुआ आपको, ये दिया आपको 4.2 दिया हुआ है। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ओ वाई, तो ओ वाई की लेंथ भी कितनी होगी, 4.2 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स आपको केवल ओ के दिया हुआ था, तो ओ के किसके इक्वल होगा, ए वाई के इक्वल होगा। देखो ओ के किसके इक्वल होगा, ए से वाई तक के इक्वल होगा। तो ओ के और के ए वाई दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी, 5.5 सेंटीमीटर। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद सेकंड पेयर, आपको के से ए तक की लेंथ गिवन थी 4.2, तो इसका मतलब ओ वाई भी कितना होगा, 4.2। ये यहाँ तक समझ आया, ओके। कंस्ट्रक्शन में कैसे, अब हमने पैरेललोग्राम कैसे बनाया है बेटे, वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओ से लेके के तक एक डिस्टेंस लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी होगी, 5.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। हमें ओ से लेके के तक पता है, के से ए तक की डिस्टेंस भी पता है, ए से वाई भी पता है 5.5 होगा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। और वाई से ओ भी पता है कितना होगा, वाई से ओ भी पता है कितना होगा, 4.2 सेंटीमीटर होगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, देखो ओ से के तक हमने ड्रॉ कर लिया, इसके बाद ओ के ए आएगा कहीं पे और कहीं पे वाई आएगा, बट हमें ये नहीं पता था कि ए पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन की एक डिफरेंट फिगर भी बन सकती है, ठीक है, बट क्वेश्चन वो भी ठीक होगा।
तो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें केवल यूनिक पिक्चर बनती थी, ठीक है। इसमें देखो उनकी साइड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो कोई भी इस क्वेश्चन के लिए पिक्चर बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जैसी पिक्चर मैंने बिल्कुल सेम बनाई है वो ऐसी भी हो सकती थी, ठीक है। ये पिक्चर ऐसी भी हो सकती थी बेटे, ठीक है, समझना इस बात को मेरी, अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए केवल आपकी पिक्चर चेंज हो सकती है, बट आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो साइड्स की लेंथ है उनकी लेंथ वही रहे और पैरेलल रहे, वो बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, क्यों करेंगे पहले वो समझ लीजिए। आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर होती हैं जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ओ से के तक आपको डिस्टेंस पता है, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, ओ के पता था और कितना पता था, के से ए तक की डिस्टेंस आपको पता है। अब के से ए तक की डिस्टेंस 4.2, अब ए तो पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर ए पॉइंट आपका यहाँ है तो वाई पॉइंट थोड़ा इधर हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अभी तो ए पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वाई पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि ए से वाई तक की डिस्टेंस यही 5.5 है, समझ रहे हो। अगर ए पॉइंट आप हम यहाँ लेते हैं तो वाई पॉइंट थोड़ा इधर हो जाएगा, ए पॉइंट जितना इस साइड जाएगा वाई पॉइंट भी इतना ही राइट साइड में मूव करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। या फिर अगर ए पॉइंट थोड़ा इधर होता, लेफ्ट साइड में होता, तो वाई पॉइंट भी थोड़ा लेफ्ट में होता। ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी आपके लिए, बट हमें क्या पता है, हमें तो केवल ए से वाई तक का डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर चाहिए, और सेकेंड थिंग क्या, के से ए तक का डिस्टेंस आपको 4.2 चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ऊपर एक के कोई भी एक लाइन ड्रा कर देंगे जिसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर होगी फिर ज्वाइन कर देंगे, नहीं, वो पैरेलल भी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये लाइन ड्रा करने के बाद क्या करनी है, ओके यहाँ से कोई दो लाइन हम खींचनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए। ये काम आपको करना है किस काम के बाद, जब आपने ओके ड्रा किया है 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको एक दो लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है, जो कि पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, जो कि क्या होनी चाहिए बेटे, पैरेलल होनी चाहिए। और वही आपको मैं सिखा रहा हूँ पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे। आप क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है कंपास के साथ क्या करेंगे बेटे, आप एक सेकंड, आप क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसकी हाफ से कम ओपन करके, ठीक है, जितना ओ से के तक की डिस्टेंस है 5.5 से 5.5 के हाफ से कम, इसको ओपन करके एक आर्क यहाँ से लगाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से रख के एक आर्क ए ये लगाएंगे ए ऐसे करके। इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन के आप लाइन के साथ आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको देखो जितना हमने रेडियस लिया था उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट रख के आप कोई भी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस कितना भी इसको ओपन कर सकते हैं बेटे, ठीक है। हमने ये उसको ओपन किया, यहाँ पे रखा एक आर्क यहाँ पे लगाई, और दूसरी आप आर्क आपको यहाँ पे रख के नहीं लगानी, यही बात ध्यान रखनी है, दूसरी आर्क आप यहाँ पर इस पॉइंट पे रख के बेटे लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है, ये जो लगाई है मैंने। फिर आप इस पॉइंट से देखो, एक तो हमारी ये सर्कल आया है जब हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था, ठीक है, एक तो इस साइड सर्कल आया था और एक यहाँ से बेटे इस साइड सर्कल आया था आपका, हो गया। सेकंड आपने क्या किया, कितना भी इसको ओपन किया, ठीक है, यहाँ से रख के एक आर्क लगाई इधर और यहाँ से रख के एक आर्क लगाई बेटे इधर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये एक तो ये वाला सर्कल और एक आर्क जो आपने यहाँ से रख के बेटे लगाई थी, ठीक है, वो ये है, तो ये पॉइंट पे वो कट कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट आया समझ। ऐसे ही इधर देखिए, पहले हमने ये ड्रा किया था, उसके बाद हमने यहाँ से रख के ये आर्क डाली थी, तो इस आर्क ने और इस ये जो सर्कल वाली आर्क है, ये पॉइंट इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, बस आपको यही ज्वाइन कर देने हैं इससे, और ये ज्वाइन कर देना है इससे, तो आपकी पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कितना ओपन करना है इसको 4.2, तो यहाँ पे सेंटर रख के 4.2 की आर्क यहाँ पर और यहाँ से रख के एक आर्क आपकी यहाँ पर, फिर इसको यहाँ से ये ज्वाइन कर देना है, तो आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। एक बार और दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ की, इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क यहाँ से लगाएंगे बेटे और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कितना भी इसको कंपास को ओपन करके एक आर्क आप यहाँ से रख के लगाएंगे ऐसे,
ठीक है, और एक आर्क आप यहाँ से रख के लगाएंगे बेटे, इधर से ठीक है, फिर वो उन पॉइंट्स को मिला देना है तो आपकी पैरेलल लाइंस बन जाएगी। फिर कंपास के साथ 4.2 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ से आर्क डाल देनी है तो, और इनको ज्वाइन कर देना है तो आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास इसकी पिक्चर्स भी सेंड कर दी जाएंगी पूरी फुल कंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, देखिए इधर, ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही करेंगे, फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फोर चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे एस ए वन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, आई थिंक 14 से आपके पेपर स्टार्ट हैं। ठीक है, 14 से ही है। ओके, थैंक यू।